अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं इतनी बिजी रही हूँ पूरा दिन के, मुझे अब जाकर टाइम लगा। आज जो है हमारी चांद रात है, ईद से एक दिन पहले का। मैंने सुबह पहले उठ के फिर दोबारा क्लीनिंग की अपने घर की, क्योंकि रोज़ जो है किचन का तो रोज़ आपको पता करना पड़ता है, रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता है। और फिर जो है थोड़े से बर्तन वॉश करने वाले थे, वो मैंने डिश वॉशर में किए। और इसके बाद जो है मैंने बिरयानी बनानी थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के हैं जो गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए बिरयानी बनानी थी, इसलिए फिर बिरयानी बनाई। अभी बना के फ्री हुई। फिर बिरयानी का जो आपको पता है, उसके बाद मैस होता है, उसके लिए फिर मुझे टाइम लगा, वो किया। फिर इसके बाद जो मैं रेडी हुई हूँ, अब जो है मैं घर बिल्कुल क्लीन करके अब मैं रेडी हो रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शायद उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, तो वो करने जाना है। अभी मैंने उनके कपड़े आयरन करने हैं। अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि इतना काम है, अभी मैंने अपनी मेहंदी लगानी है, अपना करना है, मैंने अपनी क्लिनजिंग वगैरह करनी थी, अपने बालों को मास्क लगाना, कुछ भी नहीं किया अभी। इंशाल्लाह मैं रात को करूँगी, यहाँ पे शाम। वेलकम बैक। अभी जो है गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट आ चुके हैं, और मैं अभी बस अभी जो है खाना बना के फ्री हुई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। आज जो है मैंने सोचा है कि मैं पहले अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हमने जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने थोड़ी देर में। और यहाँ पे 7 बजने वाले हैं, मौसम बाहर का बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो वाली ईद की वाइब्स नहीं आ रही जो पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में ईद के इस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बताया, कुर्बानी के जानवरों का शोर होता है, इतना वो एक अलग ही टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं। वहाँ पे सब वैसे ही डेज़ हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं, लेकिन यह कि अल्लाह का शुक्र है फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम खुद ही अपनी छोटी सी हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है, तो हम खुद ही इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। मैं इसको आज क्लीनिंग की है। बाहर का मौसम देखिए, आज बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। और ये मैंने आज वॉशरूम की क्लीनिंग की है, और ये मैं हूँ। मारिया बोलो मेरे फॉलोअर्स को हेलो करो। आवाज आ रही है क्यों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। वाओ गॉर्जियस। अभी मैं चाय पी के उठी, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने एक एडविल की गोली ली है। अब देखते थोड़ी देर मुझे सुकून आया तो ठीक है, वरना मैं एक और ले लूँगी। अभी बस कुछ ही देर में हम बाहर जाएंगे। मुझे लगता है मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। ओ यू नो मारिया, पानी पी लो, चाय ना पी लो। भाई देखते क्या करते हैं। फिलहाल कुछ नहीं, ये मैंने कल ऑर्डर किए थे स्टेंसिल्स मेहंदी के लिए, तो आज मैं सोच रही हूँ इनमें से कोई डिज़ाइन जो है मैं सिलेक्ट करूँगी अपनी चांद रात के लिए। चांद रात आज ही है, तो इनमें से कोई भी मैं एक लगाऊंगी, ट्राई करते हैं। वैसे भी मुझे दिखाने नहीं चाहिए थे, मैं यही शो करना था कि मैंने मेहंदी जो है खुद लगाई है, इतनी प्यारी है ना मारिया। वीडियो कॉल पे है? नहीं, वीडियो पे ही हूँ, रिकॉर्ड हो रही है। तो मैंने ये दो सिलेक्ट किए, एक ये राइट हैंड के लिए और एक ये लेफ्ट हैंड के लिए। मैं ट्राइफल बनाने लगी हूँ, जो क्योंकि यूसुफ ने कहा था मेरे हस्बैंड ने कि तुमने ईद वाले दिन जो है कस्टर्ड खाना है, उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया था कस्टर्ड ट्राई नहीं किया, सवैयाँ वगैरह को उनका दिल नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा कुछ अच्छा सा कस्टर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि वो नीला फ्लेवर पसंद है। तो मैं शान का फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी, वरना पाकिस्तान में हमेशा मैं रिफान का यूज़ करती थी। तो अभी जो मैंने 1 लीटर तक ऑलमोस्ट दूध लिया, और इसको भी फुल हम बॉयल करेंगे, और इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर मैं हाफ कप से थोड़ी लूँगी, क्योंकि हम कम शुगर लेते हैं। यहाँ पे बस वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे सेटिंग वगैरह हो रही है। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ईद से पहले पहले हमने जो मैंने बताया था ना अपना रूम ये सेट करना है, लेकिन अभी हमारे काउच सोफ़ा वगैरह नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने ये रग वगैरह की जो है हमने करनी है सेटिंग, तो ये वो करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये काम चल रहा है। फुल मुझे वो वाली वाइब्स आ रही है, फुल वो लग रहा है कि जैसे बाकी हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई इवेंट है, तो बस ये यहाँ से लग रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान में मुझे अमेरिका आया 8 ईयर्स हो गए, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम लग रहा है कि ये मेरी ईद है। मतलब तुम आई हो तो मुझे फील होने लगा कि वाकई अब यहाँ पे ईद वाली वाइब्स आ रही हैं। अभी जो है हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें भूल गई थी। मैंने ट्रैवल के लिए मैं जेलीज भूल गई थी, मुझे लगा था कि मैंने ले ली है, लेकिन वो बाई मिस्टेक हो गई। आपने आज मुझे बहुत तंग किया, धूप बहुत अच्छी पड़ रही है। और सेकेंडली जो है हमने कल अचार गोश्त बनाना, उसके लिए मुझे कुछ सामान लेना था, वो कल वाले स्टोर से नहीं मिला था जो मैंने कल के व्लॉग में बताया था, वो लेने जा रहे हैं। बहुत देर हो रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी से बस आ गई। हम साथ ही हमारे स्टोर है जो क्रोगर, वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ से हम थोड़ी सी चीज़ें लेंगे। मौसम अच्छा हो रहा है, तो
अभी हम पहुंच चुके हैं क्रोगर, बस अभी जल्दी से यहाँ से पहुँचते नहीं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत कुछ करना है, अभी बहुत काम बाकी है, इसलिए हम जल्दी से बस ग्रॉसरी करेंगे। अच्छा अभी हम बस आए हैं ग्रोसरी स्टोर में, जल्दी से लेती हूँ, मुझे रोमा टमाटर चाहिए एंड वो ये बस ये लेकर इसके बाद जो है बस ज़्यादा नहीं, हमने लास्ट में जो ग्रोसरी थी वही रहेगी हमेशा की तरह, मैं जल्दी से इसको डालती हूँ। मुझे जेली चाहिए थी और मिल गया मुझे ट्राइफल का, ये 00 है फिर ये देख लें, रेड वाला ये उठा लें, रेड वाला ये उठा लें, हाँ ये वाला रख के ये वाला ले लें, बस अब हमने ले लिया चीज़ें, अब हम जा रहे हैं बस थोड़ी सी क्रॉसिंग, हम बस क्रॉसिंग करके आ गए, हमने हार्डली 15 मिनट्स से भी पहले हम क्रॉसिंग करके बाहर निकला है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे चॉकलेट्स देख कर दी है, मैंने जब से मैं रखा है मैंने बताया था ना मैं चॉकलेट्स इतनी नहीं खाती, मैं फर्स्ट टाइम चॉकलेट्स की शॉपिंग की है, और एज यूजुअल किटकैट जो मैं बहुत रेयर है, जो मैं खाती हूँ चॉकलेट्स तो ये लास्ट में खाती हूँ, ये जो है डिफरेंट है, मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छी है तो ट्राई करके देखो पेड़े, तो मैं ये खा के देखूँगी, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, तो यार अभी मैं बस इतनी खाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती ना मुझे इतना पसंद है। बाकी जो हम अभी बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं सॉरी, इसके बाद जो है मैंने अपना जो है कस्टर्ड कंप्लीट करूँगी, शुक्र है जेलीस मिल गए हमें, मुझे डर था कि ये रहो कि यहाँ पे भी ना मिलेगी, अक्सर हमें चीज़ छोड़ने में बहुत टाइम लगे। अभी यहाँ पे 8 बजने वाले हैं, सनसेट होने वाला है, तो अभी है क्या कब आगे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, ये हमारा एरिया शुरू हो गया, कल स्विमिंग पूल भी साफ करवाना है, कल का दिन काम करवाना है, आज ही करवाओ जो जो करवाना है, कल ईद है, टुमारो इज़ आवर स्पेशल डे, यू नो मुसलमानों और पाकिस्तानों के लिए ईद कितनी मायने रखती है, ईद वाले दिन हम कोई काम नहीं करते, समझ आई, जो करवाना है उसे आज करवा लें। करने के बाद तो मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जो बिरयानी बनाई थी मैं अपने लिए, अब जाकर मैं बिरयानी खाने लगी थी, और अलहमदिल्ला बहुत मज़े की बनी थी, लाइक जैसे मुझे पसंद है बिरयानी पूरी, मुझे चटपटी अच्छी लगती है स्पाइसी, तो मैं बिरयानी हमेशा स्पाइसी ही बनाती हूँ इसलिए, और इसके साथ जो ये जो ड्रिंक है ये मेरी मोस्ट फेवरेट है जिंजर एल, और ये जो है ये इनकी कनाडा ड्राई की मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, पहले हमने दूसरी ट्राई की थी वो भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, मुझे बहुत पसंद आई, ये मुझे ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे अमेरिका की वो इससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो वो हमें नहीं मिली शॉर्ट थी, तो लेट्स सी दोबारा जब मिलेगी तो मैं ट्राई करके फिर बताऊँगी, और बस यही है कि आज का मैं व्लॉग यहाँ पे एंड करने लगी हूँ, कल जो इंशाल्लाह ईद है, फिर कल का जो डे है वो ईद का व्लॉग होगा कल सारा दिन, अब देखते कल की यहाँ की फ़र्स्ट मेरी ईद होगी, पता नहीं कैसी गुजरती है, उम्मीद तो है कि अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह, बाकी फिर यही आज का मैं व्लॉग यहाँ पे एंड करी, और व्लॉग जो है बहुत लेंथी हो चुका है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नए व्लॉग के साथ, ओके फिर अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।